अभी हम समस्तीपुर में हैं और इतना बड़ा आयोजन भूमिहार ब्राह्मण का जो हो रहा है आप तो देख ही रहे हैं, और हमारे साथ युवा साथी हैं, इनसे हम बात करेंगे कि नौजवान युवा को जाति में क्यों आना पड़ता है और जाति जाति का संगठन का चर्चा क्यों करना पड़ता है। अगर नौजवान भी अगर आएंगे जाति जाति खेलने के लिए बिहार में, तो फिर बिहार का स्थिति क्या रहेगा। क्या नाम है? मेरा नाम विकास कुमार है चंदन जी, और सबसे पहले तो आपके जो भी दर्शक हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मेरा मेन मुद्दा जो है बोलने का वो ये है कि आज बिहार का खास करके जो बुद्धिजीवी वर्ग कहे जाने वाली जो जाति है भूमिहार ब्राह्मण के जो यूथ हैं, जो युवा हैं, वो पॉलिटिकल क्राइसिस का शिकार हो रही है। आज आप देख लीजिए कि जो यादव समुदाय के लोग हैं वो अपना नेता तेजस्वी यादव को मान रहे हैं, ठीक है। हर जाति का अपना अपना एक एक अलग अलग पार्टी बना हुआ है, एक एक अलग अलग नेता बने हुए हैं। लेकिन आज क्या है, आज हमारे समाज में क्या है, हमारे समाज के जो युवा हैं वो छत बिछत हुए पड़े हैं, और ऐसे जगह में छत बिछत हुए पड़े हैं ना चंदन जी, कि जहां पे न तो उनका कोई करियर संभाला जा रहा है, न तो उनको कोई गाइडेंस दिया जा रहा है, और न ही उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। आज अगर हम बोलें इस बात पर, अगर हम बोलेंगे तो फिर कहीं बवाल मच जाए, लेकिन मैं बोलूंगा, भारतीय जनता पार्टी के समस्तीपुर जिला के इससे पहले अध्यक्ष थे राम सुमिरन सिंह जी, जाति से भूमिहार थे वो। क्या हो गया, क्या किया गया उनके करियर के द्वारा, क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने उनके करियर के द्वारा? इतना ही नहीं, उनके करियर के साथ बहुत अच्छे तरीके से खेला गया, आगे नहीं ले जाया गया, जबकि उनमें प्रतिभा थी। आज आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी कौन किस सीट से और कौन कौन ऐसे सीट से जो है भूमिहार ब्राह्मण को वो खड़ा कर रही है। ऐसा नहीं कि भूमिहार ब्राह्मण में प्रतिभा नहीं है, भूमिहार ब्राह्मण में प्रतिभा है, लेकिन उसको आबादी जितना रहेगा सीट तो उतने ना मिलेगा। नवादा मिलवे करता है, मुंगेर मिलवे करता है, बेगूसराय मिलता है 3% से भी कम, और 3 सीट मिलता है 3% से कम। सरकार का जो जातीय आंकड़ा है ना सर, वही गलत है। सबसे पहले इस पे तो CBI जांच बैठाना चाहिए। सरकार का जो जातीय गणना, वो कहां से जातीय गणना, कैसा रिपोर्ट आपके घर पे हुआ था, आपके घर पे गया था लोग पूछने के लिए कि आप कौन जाति से हैं, गया था पूछने के लिए? हमारे घर पर नहीं आया था पूछने के लिए कि हम कौन जाति से हैं। आपसे नहीं पूछा, नहीं पूछा गया था हमसे जातीय जनगणना। बिहार सरकार कहां से लेके, बिहार सरकार तो गांजा फूक के बैठी हुई है। 5 साल में क्या की भूमिहार ब्राह्मण के लिए, विकास बिहार के विकास के लिए क्या किया गया? आपको नहीं लग रहा है कि 5 साल में नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचा रहा है, कभी BJP के साथ मिलकर के, कभी RJD के साथ मिलकर के? तो आप ही के समाज के तो लोग जो आपके जाति के लोग हैं उतने बड़े उच्च पद पर बैठे हुए उस पार्टी में, जिस पार्टी के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। शोषण हो रहा था ना सर, इसीलिए ना इस्तीफा दे दिए ललन सिंह जी। शोषण हो रहा, बिल्कुल शोषण हो रहा था ना, हमारे जाति के लोगों का शोषण हो रहा था ना सर, हमारे जाति के लोगों का कहां नहीं शोषण हो रहा है, आप ही बताइए। तो क्या लगता है कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के शोषण किया जा? बिल्कुल शोषण किया जा रहा था हमारे जाति के लोगों को, हमारे जाति के लोगों को एक तरह से एक ऐसा हथियार बना करके प्रयोग किया जा रहा है। लोग सोचता है कि अरे भूमिहार ब्राह्मण है, इसको अपने उंगली पर हम जैसे कठपुतली है वैसे ना जाए। क्या कहिए, जैसे शोषण हो रहा फिर भी तो ललन सिंह जी खुश से हैं। अरे भाई कठपुतली थोड़े हैं कि वो आपके कहने पर चलेंगे, हमारा समाज खुद बुद्धिजीवी है, खुद विकसित है, हम अपना सरकार खुद बनाएंगे और उसका सरकार हम गिरा देंगे, इतना कुपथ रखते हैं। ये क्या कहते हैं, जनता दल यूनाइटेड जो है वो क्या आपने अपने मन से सरकार बना लेती है? उसमें भूमिहार ब्राह्मण का भागीदारी नहीं होता है। जिस समय चुनाव आएगा उस समय देखिएगा ना, आपका पैर पकड़ने के लिए, भूमिहार जाति का पैर पकड़ने के लिए नीतीश कुमार जी स्वयं आ जाएंगे, बुलाइएगा, आपका पैर पकड़ने के लिए वो आ जाएंगे, ठीक है। यादव जाति के लोग आरोप लगा रहे हैं आज आशुतोष कुमार पे कि आशुतोष कुमार जातिवादी जातिवाद करते हैं। हम कहना चाहते हैं सर कि अगर अपने समाज की बात करना, अपने बैनर तले बात करना, अगर जातिवाद है तो ये जातिवाद होते रहनी चाहिए, और हम करते रहेंगे ये जातिवाद। जातिवाद होते रहना चाहिए, आप करते रहें। बिल्कुल करते रहेंगे हम ये जातिवाद। बिहार कहां जाएगा? केरला का जो है वो लिटरेसी रेट क्या है सर, 90% है केरला का, क्या कहते हैं केरला का वहां लिटरेसी रेट, लेकिन केरला में इतना परसेंट लिटरेसी रेट होने के बावजूद भी वहां जातिवाद पीछा नहीं छोड़ रही है। तो बिहार में, बिहार तो बिहार की राजनीति तो जातिवाद पे ही आधारित है, तो कैसे पीछा छोड़ देगा बिहार में सर, नहीं पॉसिबल है। बिहार को जातिवाद से ऊपर उठाना
उसके लिए वो नहीं पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पे आप एकत्रित हुए हैं, आपकी मांग भी कुछ है? हमारी हमारी सर पांच मांगे हैं, हम अपनी पांच मांगे सर जो है वो हम बताना चाहेंगे, और ये पांच मांग जो है वो सर हमको चाहिए। हमारा सबसे पहले तो पांच मांग है कि सवर्ण आयोग का पुनर्गठन और इसका संवैधानिक दर्जा होना चाहिए। ठीक है, गरीब सवर्ण छात्र जो है ईडब्ल्यूएस, सर ईडब्ल्यूएस का गठन तो कर दिया गया लेकिन उसका फायदा नहीं मिल रहा है ना हम लोग को। गरीब हम भी सर एमए के छात्र हैं, लेक्चर बनने के लिए सर हम भी फाइट कर रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार का जो आरक्षण है ना, जातिवादी आरक्षण के चलते हम हर बार पिछड़ जा रहे हैं सर। अगर ये आरक्षण अगर नहीं रहता तो आज हम भी लेक्चर रहते किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में, लेक्चर रहते इंग्लिश का। ठीक है, दो मांग है, और इसमें सर परीक्षा शुल्क में जो है वो हमको छूट चाहिए ईडब्ल्यूएस वाले को, कहेगी सर ईडब्ल्यूएस का दर्जा हम लोग को मिल गया लेकिन मान लीजिए जो गरीब है वो आदमी सर नहीं भर पा रहा है, परीक्षा फीस नहीं भर पाता है। ठीक है, ठीक, हाँ, वो नहीं भर पाता है। ठीक है, इसके बाद सर हमारे जाति के लोगों को नीचा करके दिखाया जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरा मांग है हमारा कि बिहार सरकार से कि बिहार के प्रत्येक जिला में परशुराम छात्रावास जो है वो स्थापित की जानी चाहिए। परशुराम छात्रावास जो है वो जब तक नहीं होगा तब तक सर हमारे जो गरीब छात्र हैं जो रूम लेकर के नहीं रह सकते वो कहाँ रहेंगे सर। ठीक है, इसके बाद राजनीति से प्रेरित फर्जी जाति जनगणना की सीबीआई जांच हम चाहते हैं। ठीक है, जो कि पहले बता चुका है, जो जातीय जनगणना हुआ जिसका आंकड़ा हम लोगों के बीच पेश किया गया, जो आंकड़ा हम लोगों के बीच में पेश किया गया उस आंकड़ा पर सीबीआई जांच हम बैठाने की मांग करते हैं, क्योंकि वो आंकड़ा बिल्कुल फर्जी है। ठीक है, सवर्ण आयोग की रिपोर्ट के आधार पर बिहार सरकार भूमिहार ब्राह्मण वेलफेयर फंड के तहत प्रत्येक वर्ष 100 करोड़ रुपए का सहयोग करे, ये पांच मांग हमारा है, और ये पांच मांग अगर बिहार सरकार हमें नहीं देगी तो उनका राजनीतिक गर्दन मनोरने का काम भूमिहार ब्राह्मण समाज करेगा और इसी चुनाव में करेगा। आप जो कह रहे हैं कि 100 करोड़ चाहिए, जी 3% आबादी, 39% जमीन के मालिक आप हैं, फिर भी कहते जा रहे हम गरीब, हमको 100 करोड़ चाहिए, तो 100 करोड़ आप मांगे। चंदन जी 3% आप हमको मत कहिए, 3% आप हमको मत कहिए, हम 3% बाकी के 80% पर, 90% पर और 95% पर भारी हैं। 3% आप हमको मत कहिए। शेर का गणना कभी जंगल में किया जाता है, जंगल का राजा एक को ना होता है, शेर होता है, बाकी सारे जानवर उसके प्रजा होते हैं। भूमिहार समाज को बिहार सरकार जो आया है जब से तब से बोल रहा है कि शोषित कर रहा है। अरे भूमिहार समाज शोषक है, अरे उपोषक है, छोटा जाति में आप जाके देखिए ना सर, हमारा दादा परवावा कितना आदमी को, कितना छोट जात वाला को रैयत बसा दिए, बसा के रखे हुए हैं अभी भी। तो भूमिहार समाज शोषक नहीं है, भूमिहार समाज पोषक है, और हमको हमारा अधिकार मिलना चाहिए। हमारा अधिकार लेने के लिए अगर बिहार सरकार के हलक में हमको हाथ डालना पड़ेगा ना तो हम डालेंगे, लेकिन लेंगे। यानी मूड बना के आए हैं यहाँ पे, मूड क्या सर, अपने अधिकार की मांग करना अगर गलत है तो हम ये गलती हजार बार करेंगे, लेकिन हमें हमारा अधिकार चाहिए। जैसा कि आप युवा साथी को सुन रहे थे कि अगर हमें लोग जातिवाद कहेगा और अगर जातिवाद करना गलत है तो समझो ये गलती हम बार बार करेंगे। आगे का जो भी अपडेट होगा पहुंचाएंगे अपने चैनल के माध्यम से, तब तक बने रहे मेरे साथ, धन्यवाद।